हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और मेहुल चौकसी पर फैसले का इंतजार है। इधर आपको बता दें, दिल्ली में पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सुशील को 9 दिन की न्यायिक हिरासत में मंडोली जेल भेज दिया है। यानी अब सुशील कुमार 9 दिन जेल में ही रहेंगे। पुलिस के लिए सुशील कुमार से पूछताछ करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिमांड नहीं मिली है। लेकिन सुशील कुमार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब सुशील कुमार पर चार्जशीट लाने की तैयारी में जुट गई है। पहलवान सुशील कुमार ने आज अदालत में क्या नया दाव चला, खास रिपोर्ट में देखिए। पहलवान सुशील कुमार कानून के एक ही दांव से चित्त हो गए हैं। अदालत में सुशील कुमार को बचाने के लिए आज सुशील कुमार के वकील की तरफ से एक से बढ़कर एक दलीलें दी गईं। सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने कहा, सुशील कुमार ने पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और ओलंपिक मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सुशील कुमार के खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के पास है ही नहीं। इस केस में किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछले 10 दिनों की रिमांड में पुलिस ने कुछ हासिल नहीं किया। पुलिस सिर्फ सुशील को प्रताड़ित करने के लिए कस्टडी मांग रही है। अब तक 240 घंटों की कस्टडी दी जा चुकी है, लेकिन इसमें पुलिस ने क्या पूछताछ की है? 11 में से 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, और अब तक पुलिस एक डंडा भी बरामद नहीं कर पाई। पुलिस कपड़ों की तलाश के लिए हरिद्वार गई और मोबाइल ढूंढने के लिए भटिंडा गई, लेकिन अब फिर वहीं पर जाने की बात कही जा रही है। इस पर पीड़ित पक्ष के वकील की तरफ से कहा गया कि सुशील कुमार जांच और पूछताछ में कोई सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए अब तक कुछ बरामद नहीं हो सका है। सुशील कुमार को आज अदालत में सफेद रंग की अर्टिका गाड़ी में लाया गया। सुशील कुमार सफेद रंग की टी शर्ट पहना हुआ था, वो कटघरे से बाहर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ पुलिस ने पकड़ा हुआ था। उसके आसपास भारी सुरक्षा बंदोबस्त थी, यानी कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। सुशील के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वो वीडियो है, जिसमें सुशील कुमार खुद ही हाथ में डंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अदालत में सुशील कुमार के खिलाफ अचूक सबूत तलाश करना अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। हमारा केस ये है कि भाई अभी तक ये मिसगाइड कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इसीलिए फर्दर एप्लीकेशन मूव की गई है। क्योंकि वो बार बार पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए फर्दर एप्लीकेशन मूव की। अगर स्टार्टिंग में रिकवर कराए तो हमें मूव नहीं करनी पड़ती। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिस ने रिमांड मांगी क्यों थी। पुलिस को वो कौन कौन से अहम सबूत और तलाशने हैं जो सुशील कुमार और उनके साथियों को सजा दिलाने के लिए जरूरी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सुशील कुमार का मोबाइल चाहिए। दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी की वो डीवीआर चाहिए जिसको लेकर सुशील कुमार भागा था, और इसके अलावा सुशील कुमार के कपड़े चाहिए जो सुशील कुमार ने वारदात के वक्त पहने हुए थे। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस को सुशील कुमार का मोबाइल क्यों चाहिए? दरअसल सुशील जब 18 मई की तारीख को दिल्ली से फरार हुआ, तब उसके मोबाइल में कोई सिम कार्ड नहीं था, इसलिए ताकि कोई उसको ट्रैक न कर पाए। लेकिन इसके बाद भी वो अपने करीबी लोगों से लगातार बातचीत और सलाह मशविरा कर रहा था। सुशील कुमार अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज करके टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस सुशील कुमार का मोबाइल इसलिए तलाशना चाहती है ताकि ये पता लग सके कि कौन कौन लोग टेलीग्राम के जरिए सुशील कुमार के संपर्क में थे। ये कौन लोग हो सकते हैं, क्या सुशील कुमार के साथ इनका भी छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इन लोगों ने सुशील कुमार को छिपाने में सुशील की मदद की थी। मोबाइल के अलावा दिल्ली पुलिस को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के उस आवास के पास की सीसीटीवी तस्वीरें भी चाहिए। इन सीसीटीवी तस्वीरों से दिल्ली पुलिस को कई अहम सुराग मिल सकते हैं।
सीसीटीवी तस्वीरों से ये पता चलेगा कि छत्रसाल स्टेडियम के अंदर वो कौन कौन लोग थे जो सुशील कुमार के साथ पहलवान सागर धनखड़ को पीटने में शामिल थे। अगर स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज में सुशील कुमार की तस्वीर मिल गई तो ये दिल्ली पुलिस के पास एक और बड़ा सबूत होगा। इसके साथ ही इस पूरे केस और वारदात की रात हुए घटनाक्रम की तमाम कड़ियों को जोड़ने में भी मदद मिलेगी। सुशील कुमार उस सीसीटीवी की डीवीआर को अपने साथ लेकर क्यों भागा? उसमें ऐसी कौन सी अहम तस्वीर है? ये सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस को तलाश करना है। सुशील कुमार के कपड़े इस केस में अहम सबूत हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मौजूद वीडियो से सुशील कुमार की पहचान और पुख्ता हो जाएगी और कपड़ों की फॉरेंसिक जांच से और भी कई अहम सबूत मिल सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या सुशील कुमार ने सारे सबूत ही मिटा दिए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर धारा 201 लगा रही है। आईपीसी की धारा 201 का मतलब है सबूत मिटाने की कोशिश। सुशील कुमार पर मर्डर की धारा 302 भी लगाई गई है। इसके अलावा सुशील कुमार पर किडनैपिंग की धारा 307 भी लगाई गई है। सुशील कुमार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। अगर सुशील कुमार पर मकोका लग गया तो दिल्ली पुलिस पूरे एक महीने तक सुशील कुमार की रिमांड ले पाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को 6 महीने के अंदर दूसरी चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार भी मिल जाएगा। मकोका लगाने पर विचार इसलिए चल रहा है क्योंकि जांच में पता चला है कि पहलवान सुशील कुमार के कई गैंगस्टर से अच्छे संबंध थे, जिसमें काला जठेड़ी नाम का एक बड़ा गैंगस्टर भी शामिल है जो फिलहाल भारत से फरार है और इस वक्त मलेशिया में है। जांच में बात सामने आई है कि काला जठेड़ी के साथ मिलकर कई सारे समझौते और काम सुशील कुमार ने कराए हैं। दरअसल मकोका लगा तो सुशील कुमार की मुश्किल और बढ़ जाएगी, उनको लंबे वक्त तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुशील अपने रुतबे का पूरा इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में कर रहे थे। उनकी दहशत का आलम क्या था, इसका एक और किस्सा अब छत्रसाल स्टेडियम के पास मौजूद एक राशन की दुकान के मालिक के बयानों से सामने आया है। उनका नाम है सतीश गोयल और ये छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के लिए राशन पहुंचाते थे, लेकिन जब लाखों का पेमेंट बकाया हो गया और वो सुशील कुमार के पास पेमेंट के लिए गए तो सुशील कुमार और उनके साथियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। एक दिन धर्मा पहलवान है, उसने मेरे को सवेरे सवेरे फोन करा कि कहते सुशील जी बुला रहे हैं। मैं चला गया सवेरे ही और वहाँ 40-50 बच्चों के साथ सुशील जी थे, तो धर्मा ने कहा ये आ गया जी राशन वाला। मेरे से कहता है कि तू जा वीरेंद्र से पैसे मांग, वीरेंद्र ने लिया था, उस टाइम तो वीरेंद्र था। मां सर वीरेंद्र जी का तो ट्रांसफर हो गया, वीरेंद्र जी कहाँ से देंगे, आपने बच्चों से इकट्ठे करके देने, मेरे को दे दो नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। कहता अच्छा मरेगा तू, ले तेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरे को सुशील के पीछे पीछे सारे पहलवानों ने मारना शुरू कर दिया, पहलवान भी थे सुशील के गुर्गे भी होंगे, मुझे तो नहीं पता सर, मैं तो सारों को जानता नहीं। मेरे को इतनी बुरी तरह मारा कि मेरे को एक हफ्ते तक मेरे को अपने अंदर से गलानी हुई कि मैंने राशन भी दिया और पिटाई भी खाई, इतना बुरा मारा मेरे। यह मामला मई 2020 का है, लेकिन सितंबर तक शिकायत के बाद भी इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। अब पुलिस इस मामले पर भी गौर कर रही है ताकि सुशील कुमार के पूरे आचरण को लेकर और पुख्ता रिपोर्ट तैयार की जा सके। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।